इंदौर देपालपुर कॉलोनी वासियों ने कॉलोनाइजर के खिलाफ खोला मोर्चा, नहीं मिल रही सुविधा। कॉलोनाइजर का दावा है कि जो हमने नगर परिषद के हैंडओवर कर दी, हम नगर पंचायत देखेगी कामकाज यहाँ का, तो क्या क्या रियलिटी है सर उसकी? जहाँ तक हैंडओवर का सवाल है, अगर हैंडओवर नहीं भी होती तो भी मूलभूत सुविधा नगर परिषद को करनी होती है। हैंडओवर के संबंध में मुझे अभी कोई दस्तावेज फाइल पे तो नहीं मिले हैं, जो कॉलोनीज की फाइल है। अगर उनका दावा है तो मैं उनसे दस्तावेज मंगा के निरीक्षण कर लेता हूँ। हमेशा चर्चाओं में बनी रहने वाली शांति विहार कॉलोनी एक बार फिर सुर्खियों में। देपालपुर में शांति विहार कॉलोनी के रहवासियों और प्लाट धारकों में व्याप्त कई मामलों को लेकर एक कॉलोनी में प्लाट खरीदने के बाद से अब तक मूलभूत सुविधा न मिलने से लेकर देपालपुर के नगर परिषद कार्यालय पहुँचे, जहाँ कॉलोनी के रहवासी प्लाट धारकों ने सीएमओ को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। पिछले सालों से, कई सालों से अपन इसको कहते आ रहे हैं, आगे कोई सी भी सुविधाएं नहीं देने को तैयार है। जब भी अपन बात करते हैं कि मैंने नगर पंचायत में कॉलोनी दे दी है, मेरे से बातचीत मत करो। आज भी हमारा जो न्यू शांति विहार है उसके अंदर भी जो पाइपलाइन वगैरह डाली है सब अव्यवस्थित है। कोई व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई गेट नहीं है, गार्डन तैयार नहीं करा है अभी तक। अव्यवस्था में कि मैं तो गार्डन तैयार करूंगा ही नहीं, ऐसा ही रहेगा। ऐसी बातचीत तहसील रोड स्थित शांति विहार कॉलोनी निर्मित होने के बाद से ही शुरुआती दौर से ही चर्चित कॉलोनी रही। यह कॉलोनी निर्माण होने के बाद से ही अब तक यहां रहने वाले निवासियों प्लाट धारकों को मूलभूत सुविधाएं कॉलोनीनाइजर की तरफ से उपलब्ध नहीं हो पाई है। और पानी सबसे मूलभूत समस्या पानी की समस्या, पहली समस्या पानी की। उनके पास होल है पर पानी की चाबी पानी देते नहीं वो, एक तो वो चीज़ है। लाइट की व्यवस्था नहीं उनके पास, नहीं ड्रेनेज नहीं है, न सिक्योरिटी की व्यवस्था है, न चौकीदार की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। पानी की समस्या दूर हो जाएगी, पानी भी खूब मिलेगा, 24 घंटे सुरक्षा रहेगी, लाइट की समस्या रहेगी, लाइट की समस्या दूर हो जाएगी और बाकी सारी सुविधा मूलभूत सारी सुविधा को बताई गई। लेकिन वर्तमान में कितने समय हो गया आपको प्लाट दिए को और आज वर्तमान में क्या 15 साल में अभी तक क्या क्या सुविधा दी? कुछ भी नहीं हुई। बताया जाता है कि कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा पानी की टंकी तो बनाई गई, लेकिन कई वर्ष बीतने को आए अब तक उसे चालू नहीं किया गया। इतना ही नहीं, पूरी कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट बंद है, तो साथ ही ड्रेनेज लाइनें भी खराब है। ऐसे में आप शांति विहार कॉलोनी के रहवासियों ने देपालपुर नगर परिषद का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने इकट्ठा होकर नगर परिषद सीएमओ चंद्रशेखर को समस्याओं से अवगत कराए। वहीं अधिकारी ने समस्या जानकर जल्द ही निराकरण करने की बात कही। अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय तहसीलदार साहब से बात कर खुद मौका मुआयना करने जाएंगे और जल्द से जल्द काम शुरू होगा। इंदौर देपालपुर से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए संदीप सेन की रिपोर्ट।